ये देखो अभी हमारे रास्ता रोक लिया है, दुम्बे है जहाँ दुम्बे चक्की वो भी इनकी शक्ल से देख रहा था, लग रहा था इतनी मासूम है, मुझे नहीं पता बाद में ये सांप निकलेंगे नाग। शारदा में हम पहुंच गए, देखो उनका शादी हो रहा है आज। ओए ढोल बज रहे ढोल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से। फहाद साहब जिधर जाते ना उधर ही गंद मचा के बैठ जाते, कभी तो मतलब होटल भी साफ रहने दिया करो। आप सबको एक नया दिन की शुभकामनाएं। क्या कह रहा हूँ हिंदू टू मिक्स, तो गुड मॉर्निंग आप सबको एक फिर से कश्मीर नीलम वैली से। नीलम वैली में है हम अभी और जाने लगे हैं शारदा। चुप कर बे कुत्ते। तो अभी होटल से निकले हैं, उतना सर्दी है नहीं जितना सोचा था। मैं तो शॉल लेके आया लेकिन धूप निकल गया ना, तो वेदर बहुत ही अच्छा हो गया। और ये सामने जो पहाड़ देख रहे हो ये इंडिया का है, श्री मंगल, उसका पीछे ये थोड़ा ऊपर जाए ना तो इंडिया का फ्लैग नज़र आता है, लेकिन हम अभी नीचे तरफ जाए ना तो नज़र नहीं आ रहा, ढका हुआ है पहाड़ों की वजह से। और तो आप लोगों को आज होटल के साथ ही वो जो नीलम रिवर है वो साथ है, दरियाए नीलम, तो आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत अच्छा सीनरी है। जाए इधर नाश्ता भी कर ले लोगे, देखो पीछे नाश्ते का वो लगे हुए नदी के साथ, नदी के किनारे, ये देखो खूबसूरत, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पानी, नीली है इसकी, नील ब्लू वाटर, इसलिए नाम है नीलम। और ये देखो विलाप कश्मीर, पिक्चर ले सकते हैं इधर खड़े होके। तो ये देखो स्माइल फॉर ह्यूमैनिटी, इधर एक और पिक्चर लेने का स्पॉट है। आज सुबह 8 बजे उठ गए थे हम, जाना है शारदा, शारदा में जाके फिर वापस इधर ही आना है हमें, एक रात और स्टे करेंगे, इसलिए जल्दी उठे शारदा घूमेंगे, क्योंकि ड्राइवर ने बोला शारदा 2 घंटे का ड्राइव है ये नीलम वैली इधर से, तो उन्होंने कहा 2 घंटे उधर जाना है, फिर जीप लेके ऊपर जाना है क्योंकि पहाड़ है, फिर उधर से जाके जो सीनरी है पहाड़ों के ऊपर वो देख सकते हैं। तो मैंने कहा चलो तो जल्दी उठते हैं, नाश्ता करके अभी साथ ही निकल जाएंगे। आप लोग बस ये चेक करो पानी का फ्लो, ये साफ पानी है साफ, और शहर में क्या जो पानी है समुंदर के वो इतने गंदे होते हैं, इधर का पानी देखो। ये देखो आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये पानी के पीछे, ये देखो पहाड़ों के ऊपर लोगों के घर हैं, घर बने हुए हैं सारे, गाड़ी आने जाने का रास्ता है नहीं, पहाड़ से वॉक करके ऊपर जाते हो नीचे आते हैं। इधर लिखा हुआ क्या कश्मीर इक्वल पाकिस्तान, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का गवर्नमेंट ये कंट्रोल नहीं करते, आज़ाद कश्मीर के डिफरेंट वो है प्राइम मिनिस्टर है, फिर फ्लैग भी उनका डिफरेंट है, पाकिस्तान का फ्लैग के साथ एक येलो कलर का, येलो ही शायद येलो ही देखा था, येलो कलर की स्ट्राइप है, तो फ्लैग भी डिफरेंट है, ये लोग आज़ाद मानते हैं अपने आप को। इधर से नीचे जाने का रास्ता था बंद कर दिया, अभी टपक के जाना होगा। इस बंदे को देखो ना मोइन भाई है, वो करने का जगह है नहीं, उठ जाओ उठ जाओ, रूम से करके नहीं आए। ये नहीं, ये बंदा नीचे चला गया, मैंने कहा मैं भी जाऊं, मैं भी जाकर ज़रा चेक करके आऊं नीचे से। बहुत सारे पिक्चर ले लिया, फिर फोटो सेशन ख़त्म हो गया, गर्मी भी हो गया, देखो ज़रा बहुत गर्मी है। तो अभी नाश्ता करते हैं उसके बाद निकलेंगे शारदा के लिए। नाश्ता हो गया हमारे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गया, 10:30 बज गए, तो अभी निकलने लगे हम उसके लिए क्या कहते हैं शारदा। तो शारदा जाके ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, अगर अच्छा कोई बीच में वो मिल गया प्यारे कोई व्यू वाले स्पॉट तो हम उधर रुकेंगे, वरना सीधा शारदा। तो जर्नी शुरू हो चुके हैं हम, फिर कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी जा रहे हैं शारदा की तरफ। ये रोड भी बहुत प्यारे नीलम वैली के, और नदी के उस साइड में है इंडिया। वाले रोड देखो कितना डेंजरस है, ये देखो सामने से कोई गाड़ी आए जाने की जगह नहीं है, और नीचे पूरा खाई है, पत्थर सारे टूटे छूटे हुए, लैंडस्लाइड होते हैं पत्थर नीचे आए हुए, ये देखो A few moments later. तो अभी हमने एक ब्रेक लिया बीच में, 45 मिनट से हुआ है, वो देखो हमें पानी पीना था, मैंने कहा फॉल के पानी पिलाओ, वो दोनों भाई देखो किधर गए हैं, ड्राइवर भाई और शिराज भाई, देखो पानी लेने
ये फॉल आ रही है, दूर से वॉक करके आ रहे हैं, देखो जरा। तो हम गाड़ी में बैठे हुए थे, इतना देर क्यों लग रही है, इतना देर क्यों लग रही है, ये लोग उधर तक चले गए। कहते हैं ये पानी बहुत मीठा और ठंडे होते हैं। मैंने कहा चलो पी के देखते, ट्राई करके कैसा होता है। दारिया बाला जगह का नाम, इस जगह का नाम है दारिया बाला। ये देखो ये ब्रिज क्रॉस करके ये छोटा सा एक टाउन बने हुए हैं, दारिया वाला नाम है। इधर से ये फॉल है, वाटरफॉल। तो इधर से पानी पीते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे आगे। थैंक यू, थैंक यू मिस्टर शिराज, थैंक यू। तो अभी हम मिडिल में रुके हैं, शारदा का ही कोई गांव है, ये नाम नहीं पता। ये देखो इधर लोग टेंट लगा के इधर के लोग रह रहे हैं, गरीब जो हैं इधर रह रहे हैं। तो हम ये देखो ये इधर से गाड़ी जो आ रहे हैं, इस तौर से हम जा रहे थे, तो ये नीचे आने का रास्ता है। ये है नीलम नदी, साथ में ये नीलम रिवर। मैंने फिर कहा रुको ज़रा, बाहर से जाके थोड़ा चेक तो कर ले व्यू, खूबसूरत व्यू है। अभी थोड़ी आगे चला जाएंगे, फिर रात को शाम हो जाए तो फिर देख नहीं पाएंगे। और इधर से व्यू देखो ज़रा, खूबसूरत खूबसूरत। ये देखो नीचे और लोग भी है, दो तीन लोग। आप लोगों को थोड़ा सामने जाके दिखाते हैं। शारदा का जो मेन पॉइंट है उधर ऑलमोस्ट हम आ चुके हैं, 15 से 20 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मैंने कहा स्टॉप लेते लेते चले तो देखने का भी तो मज़ा है। और इधर रेत है, ये देखो पत्थर और रेत। वही गर्मी बहुत है, लेकिन फुल समर में आते तो सोचो क्या होता। मेरे पीछे देख रहे हो आप लोग कितनी खूबसूरत व्यू है। और इधर देखो सुभान अल्लाह कितने प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत। वैसे बात तो सही है, पानी का कलर ब्लू ही है, प्लस बहुत साफ। ये देखो कुछ भी नहीं, पूरा साफ, मेरे हाथ सही से नज़र आ रहे, गंदे गंदे भी नहीं है पानी, ठंडा बहुत ही ठंडा है। इधर से फ्लो आ रहे हैं तो सामने चलते हैं, थोड़ा हो गया घूमना। इधर से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे, इधर पिक्चर लिए बहुत सारे हमने। तो अभी वापस जा रहे हैं गाड़ी में, शारदा का जो मेन सिटी है वो 20-25 मिनट तक आ जाएंगे। तो गाड़ी ये देखो, ड्राइवर हमें छोड़ के भाग रहे ऊपर। अभी ऊपर हिल है ना, उसने कहा कि आप लोग वॉक करके ऊपर रास्ते मेन रोड तक आओ, मैं गाड़ी ऊपर लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा ओके चलो। हाँ जी भाई जान, यूट्यूब में ये तो इसके तो यूट्यूब पे है ही इसका। ये देखो जरा इसको, और इसको सांस से एलर्जी है, सांस के लाइट जब भी मुंह में आते हैं छींकना शुरू हो जाता है, छींकना शुरू हो गई आयत की, तो इसलिए गोद में उठा के लेके जा रहे हैं। अभी हमें इतना वॉक करते ही थक गया, सांस चढ़ गई। देखो इधर लोग ऊपर अपने घरों में जा रहे हैं, गधों में सामान चढ़ा के वॉक करके गधों को मार मार के ऊपर लेके जा रहे हैं। दो गधे हैं भाई के पास। अरे ये ऊपर घर है, ये तो फिर भी हम बहुत नीचे हैं अभी पानी के साथ। ये देखो ऊपर पहाड़, इनमें भी बहुत लोगों के घर है। वो है नहीं, नीचे गए कि वो आप दोनों। ये देखो ना फिर भी खाला रन आपसे पहले आए, आपका तो वीडियो देख के स्पीड मारी है, आपको तो चला ही नहीं जा रहा। क्यों नहीं चला जा रहा, मैं क्या लूली हूं। हाँ वो तो हो, बैठ गए गाड़ी में। बहुत ज्यादा गर्मी है अभी, बहुत गर्मी, लेकिन सीनरी देखने के लिए नीचे तो उतरना पड़ेगा। खूबसूरती देखने के लिए गर्मी भी कुर्बान। ये देखो जरा ये खूबसूरती, ये देखो सारे स्कूल के बच्चे स्कूल ख़त्म करके वॉक करके ये रोड से जा रहे, इधर से गाड़ी जा रहे, इधर से सब वॉक कर रहे हैं। और सामने ये घर रंगीन, सब वुडन घर हैं, वुडन वुड से बने हुए हैं। ये देखो स्कूल के बच्चे, इनको डर नहीं लगती, इनका इनका इलाका है ना इसलिए। ये देखो अभी हमारे रास्ता रोक लिया है, दुम्बे है जहाँ दुम्बे चक्की, वो भी चक्की वाले, चक्की वाले। ये देखो मजा है, इनको स्लैप करो ना। क्या बोला तूने? बहुत सारे हैं, बहुत सारे। पकड़ लो एक एक, पकड़ के कढ़ाई बना दे आज इसकी। बहुत सारे वर्धा में हम पहुंच गए, देखो उनका शादी हो रहा है आज। ओए ढोल बज रहे हैं, ढोल हमें भी खिलाए कोई शादी का खाना। ये देखो सामने जो ये वैली देख रहे हो, इधर हम जाने लगे, बहुत ही खूबसूरत हाउस है ये। इधर ऑलमोस्ट आ गए, ये है जी कलरफुल। ये देखो इनका घर के कलर देखो, बहुत ही खूबसूरत है।
पिंक ऑरेंज येलो ग्रीन सब मिक्स है इस टाउन के। तो ये टाउन का नाम ही शारदा या फिर कोई और नाम है? शारदा। तो टाउन में हम आ चुके हैं, देखो लिखा हुआ है, देखो नो पोल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन। इधर लोग मतलब टूटे फूटे घर में भी रहे लेकिन स्ट्रीट और एरिया बहुत ही क्लीन है। सोच रही हूँ प्रॉपर्टी इधर ले लो, तुमसे ना हो पाएगा। जो फ्लावर हम देखने आए थे वो तो देख नहीं पाए, सीजन आउट हो चुके और पेड़ सूख गए। तो अभी जा रहे हैं हम ट्राउट फिश खाने, भाई को कहा ट्राउट फिश खिलाओ, जिधर भी हो आज पकड़ के चाहे समुंदर के अंदर ना डूब जाए, ट्राउट फिश खा के वापस आएंगे। तो अभी हम रास्ते में रुके हैं एक होटल में, होटल रेस्टोरेंट नीलम। तो ड्राइवर भाई ने कहा है कि इधर ट्राउट फिश होते हैं, जाके पूछ लो एक दफ़ा, नहीं तो आगे जाएंगे। मैंने कहा ओके। मैंने वीडियो में देखा पानी के सामने ये लोग मतलब व्लॉगर्स जो आते हैं इधर ट्राउट फिश खाते हैं, ये देखो पानी के सामने चार पाई बिछे हुए हैं, अभी पूछना होगा है भी या नहीं। बैड लक, कहते ट्राउट फिश नहीं है, बाहर में जाओ, निकलो इधर से, कहते बाजार के बीच में जाओ, उधर कराची होटल है, शायद उधर से मिले। वैसे इधर बोर्डिंग भी कर सकते हैं अगर चाहे, स्पीड बोर्ड भी है, रेंट में देते हैं, लेकिन पानी में नहीं जाना बाबा, डर लगता है। बैड लक एक और टाइम, ट्राउट फिश इधर भी नहीं है, हम कराची होटल के देखो बाहर ही खड़े हुए हैं। तो अभी जो है वही खाते हैं और निकलते हैं, अगर सामने कुछ मिले तो ले लेंगे वरना बाहर में जाए। कराची होटल, ये है कराची होटल। कराची होटल के बैक साइड में दरिया जा रहा है जो नीलम, नीचे गार्बेज फेंक के क्या करके रखा है ये देखो। यार सबसे वर्स्ट डिसीजन था इधर से कुछ खाने का, कुछ भी था ही नहीं था। चापली कबाब ऑर्डर किया हमने, वो भी ऑयली मतलब पूरा ना, हमें फिर से करके दिया, बिरयानी शिरयानी सब पुराने ऐसे छोड़ के हम आ गए। तो अभी बाहर निकले सामने से देखते कुछ और होटल हो, कोई और होटल तो खाएंगे। देखो घर बना रहे ये लोग इधर, देखो ना। तो अभी जा रहे सामने, देखते कुछ और मिले तो और खाएंगे, नहीं तो इधर के कराची होटल आके ना खाना, शारदा की आप लोगों को पहले से बता दे रहा हूँ। इस एरिया में वैसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, नया घर या दुकान पता नहीं क्या बनेंगे, हर जगह कंस्ट्रक्शन ही। देखो इधर भी पूरा एरिया न्यू बना रहे हैं। देखो शारदा का जो विलेज के हम गुजर रहे हैं वो विलेज, लेकिन जो मेन देखने आए थे हम फ्लावर वो तो मिला नहीं। चलो ये खूबसूरती देख लिया हमने, लेकिन अभी मूड स्टॉप हो गया उसकी वजह से, खाने की वजह से, खाना इतना गंदा था, अभी सोच रहे वापस जाए उधर जिधर होटल है उधर से जाके उधर से खाए फिर। ये देखो वो वाले जो मिले थे हमें सामने, बकरे बकरे नहीं है दुम्बे आई मीन, तो वो लोग अभी भी इधर से जा रहे हैं, हम वापस भी आ गए। देखो हिल हिल कैसे रहा है, देखो जरा, आई समझ रहे हो। होटल हम आ गए हैं वापस, और चाहिए था हमें ट्राउट फिश, वॉक करते आते देख देखते आए मिला नहीं है। तो अभी किरण वापस आए ना कश्मीर में, किरण किरण एरिया में जिधर हम रह रहे हैं, तो उधर से अभी चेक करेंगे। और रतिया गली ऊपर जाने लगा तो ऊपर ड्राइवर ने कहा झील है झील है, वो लेके जाना होता है क्या कहते हैं जीप, ढाई घंटे ऊपर ढाई घंटे नीचे पाँच घंटे, लेकिन सायरा और बाकी जो औरतें उन लोगों का हमें नहीं जाना, तभी उनको गाड़ी में छोड़ के पाँच घंटे हम किधर जाए, फिर वो भी कैंसिल किया, नहीं मिला ट्राउट फिश। इन्होंने कहा फार्म वाला ही है और फार्म वाला टेस्ट अच्छा नहीं है, कहते नेचुरल नेचुरल ही होता है, दो दिन पहले कहना पड़ता है, तो हमने कैंसिल ही कर दिया। तो रात को आज गोट बटकरा ही खाएंगे, कल रात को ऑर्डर किया हुआ था हमने 2 किलो, तो आज रात को वो बनाएंगे प्लस बिरयानी भी रखवाया हमने, चिकन बिरयानी, तो ये दोनों मिक्स खाएंगे। ये देखो इनका सेटअप, बारबेक्यू शारबेक्यू अभी सब बंद है, ये किचन में चाय ऑर्डर किया, अभी चाय पीते हैं, सब खाली है, कोई भी नहीं है, रात को लोग आते हैं इसमें इस रेस्टोरेंट में। Few inches later. अभी हम होटल के पीछे जो नदी है, बॉर्डर कह सकते हो, नदी नहीं नीलम रिवर नहीं है कि बॉर्डर कह सकते हो, ये पाकिस्तान सामने है इंडिया। तो हम इधर आके खड़े हुए थे सब मिलके, ये देखो चांद पहाड़ों के बीच से ऊपर उठ रहा है खूबसूरत। और इधर अभी रात हो गए, हम ऐसे ही आए थे वॉक करने, बरसा दिया। देखो इंडिया मतलब पाकिस्तान के हिसाब से, इधर के हिसाब से उस साइड में लाइट ज़्यादा है और लोगों ने प्यारा भी ज़्यादा माने, पैसा ज़्यादा लगाया उस साइड में। देखो खूबसूरत मार्केट शार्केट लाइट जले हुए,
और इधर सरेआम दे रहा है, मतलब मेरे हिसाब से वो साइड ज़्यादा प्यारा बनाया वो उन लोगों ने। अरे बीच बीच में जब आप लोग लाइट देख रहे हो, ये सब चेक पोस्ट है, आर्मी बैठे होंगे स्नाइपर लेके, जो भी ये रिवर क्रॉस करने की कोशिश करे मार देंगे। ये देखो छोटे छोटे लाइट देख रहे हो ना, सब चेक पोस्ट है, बहुत सारे आर्मियों का चेक पोस्ट। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करके हम निकले हैं खाना खाने। कल खाया था चिकन बट कराई, तो हमने उनको जैसे कल ब्लॉग में आप लोगों को पहले बता दिया, मटन का पूछा उन लोगों ने, कहा मटन पहले से ऑर्डर कर दो, तो ऑर्डर कर दिया था। अभी तैयार हो गया हमारा मटन बट कराई, चिकन वाला बहुत ही ज़बरदस्त था, तो आज देखना होगा मटन कैसे बने इन लोगों ने। और साथ में हमने बिरयानी भी रखा है, चिकन बिरयानी, बंदा अच्छा है बट साहब, उसका ही रेस्टोरेंट है, तो वही बना बना के कल खिलाया, तो आज भी हमने स्पेशल बनाया हुआ है खाना। ये देखो बारबी का छेड़ा बीन का शुरू हो चुका है, और वो देखो बट साहब अपना कढ़ाई कुक हो रहे हैं अभी भी। जी जी ऊपर जा रहे हैं फिर हम, अच्छे अच्छी दोस्ती हो गई इनसे। हमारे मलाई, ये क्या था नाम ना, कौन सा वो है, ये बट कढ़ाई आ चुके और नहीं लाइट आया है, अच्छा आया है ना लाइट, लाइट आया है, लाइट दिया नहीं। ये देखो, हाँ भाई कैसा लगा, बहुत ही फर्स्ट क्लास बना हुआ है बट साहब, क्या बात है। ये देखो कपड़े खरीदने आए हमें, इधर फाइट हो रही है इधर सबके, भाई दोगे या नहीं, ये देखो कपड़ों के लिए फिर फाइट हो रहे हैं, हम फिर आ जाए इधर शॉल लेने, लेकिन भाई मान नहीं रहे, भाई सुने मैंने इनको रेड ही बहुत कम बताया, आगे से और बार्गेनिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता भाई तू कहाँ से आया, इनकी शक्ल से देख रहा था लग रहा था इतनी मासूम है, मुझे नहीं पता बाद में ये साफ निकलेंगे नाग। ले लिया सारे सामान, खरीद लिया, बहुत शॉपिंग किया, सब बैक इन यूएसए लेके जाएंगे न्यूयॉर्क में, कश्मीरी शॉल कश्मीरी सूट सब कुछ। तो उम्मीद करते आज का ये उतना बड़ा ब्लॉग हुआ नहीं, छोटा सा ब्लॉग, आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।